आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज ब्यूरो और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हकीम फर्शिता। फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इंतखाबात जो है वो ओवर हो चुका है, जिसमें हमें 61.73% ऑफ वोटर टर्नआउट मिला। पहले जो है लोग इलेक्शंस बाइकॉट करते थे, पर अभी साउथ कश्मीर में काफी अच्छा वोटर टर्नआउट देखने को मिला। अब कल 25 सितंबर को सेकेंड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, जो श्रीनगर में होने जा रहा है, जिसके जमन में आज हम अभी SP कॉलेज में मौजूद है, जहाँ से जितने भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी सामान है, व्हीकल्स है पोलिंग स्टेशंस के लिए, वो यहाँ से लिया जाएगा असेंबली इलेक्शंस के लिए। आपको बता दूं कि 239 कैंडिडेट्स हैं, जो 26 सीट से ओवर 6 डिस्ट्रिक्ट इन श्रीनगर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपको बता दूं श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और गांधरबल में असेंबली इलेक्शन का सेकेंड फेज कंडक्ट किया जाएगा। इसी हवाले से जो सिक्योरिटी है, 3-tier सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, सिक्योरिटी को काफी टाइटन अप किया गया है ताकि स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ पोल्स हो। आपको अगर की कंटेंडर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स इस वक्त फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और सरजान बरकाती और बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर राणा है, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आपको बता दूं कि 3,502 पोलिंग स्टेशन यहां पे मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें ग्रीन पोलिंग स्टेशन है और पिंक पोलिंग स्टेशन भी औरतों के लिए कायम किए गए हैं। यहाँ पे SP कॉलेज से ही जितनी भी अरेंजमेंट्स है, वो असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जितनी भी प्रिपरेशंस है, वो श्रीनगर के SP कॉलेज से ही कायम की जाएंगी। कल अब सेकेंड फेज होने जा रहा है, इसके हवाले से जो भी विजुअल्स है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कैसी तैयारियां है, क्या होने जा रहा है, आप मजीद इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज ब्यूरो। देखिए, अब आज P-1 डे है, आज सारी 9:32 पोलिंग स्टेशन में इंडक्शन जो होता है, पोलिंग पार्टीज को हम इंडक्ट कर रहे हैं और शाम तक वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन में रहेंगे। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और सिक्योरिटी के आस्पेक्ट पे भी सारी तैयारियां हो चुकी है। पोलिंग स्टेशन रेडी है एज पर ECI गाइडलाइन, जो वहाँ होना चाहिए, चाहे AMF की फैसिलिटी हो, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर हो, वो सारा हो चुका है। साथ ही साथ स्वीप एक्टिविटीज़, जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की जो एक्टिविटी, जहाँ लोगों को बताया जाता है कि वोटर के वोटिंग की अहमियत कितनी है, उस पर भी बहुत काम किया गया है। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड वोटिंग, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, और ऑल 8 असेंबली सेगमेंट्स के सारे ROs दे आर रेडी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड परसेंटेज ऑफ वोटिंग। लोगों के लिए ये फैसिलिटी रखी गई है कि दैट देयर इज नो क्लबिंग, सारे 932 पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग होगा। इसका मतलब है मोहल्ले में पोलिंग स्टेशन होगा और उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये पहली फैसिलिटी है। दूसरी फैसिलिटी ये है कि दैट ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन हैज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी। वहाँ रैंप होगा जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है, वहाँ पर व्हील चेयर होगा, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ सेपरेट टॉयलेट्स है, वहाँ पर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर क्यू मैनेजर्स है, वहाँ हेल्पर्स है। हमने पूरी कोशिश की है दैट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे वोटर को वोट करने के लिए, एज वेल एज पोलिंग स्टाफ जो वहाँ वोट करा रहा है उसके लिए भी एक कंफर्ट माहौल हो। हमने इंक्लूडिंग द, जैसे मैंने बताया कि हर किसी पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग भी है। वोटरों से अपील यही रहेगी कि दैट इतनी मेहनत हमने की है इस जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है वो 25 सितंबर का है, कल, और आप आइए वोट करिए। जिस तरीके से कि श्रीनगर की आवाम ने अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो एडिशंस हुए हैं, अनएक्सपेक्टेडली हाई, बहुत ज़्यादा एडिशंस हुए हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके से मैं इंथुसियाज्म दिखा देख रहा हूँ उस टाइम जब उन्होंने एडिशंस किए, अपने आप को एनरोल किया, आई एक्सपेक्ट दैट दीज यंग वोटर्स विल कम टुमारो एंड वोट इन मास।